Today I have shared this map work of chapter water resources, geography chapter. I think it is third chapter geography ka. So uska map work has been shared in the classroom. So during vacation you are requested, as today is your last period, na? Thursday ko we don't have any class as per the timetable. So today is your last period before vacation. तो आपने वो मैप वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड रिवाइज ऑल्सो. तो मैं बाद में आपको बता देती हूँ, यहाँ जस्ट ए सेकेंड में अभी आपको दिखाई देती हूँ वट टू डू इन दैट. एक मिनट. यस, ये वाला मैप वर्क था. ये जो डार्क ब्लैक किया हुआ है ना बेटा, ये नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. जो हमारे सिलेबस में जो लेटेस्ट सिलेबस ऑफ दिस ईयर, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस वी हैव टू डू ओनली दिस मैप वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर. चैप्टर विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन द फाइनल पेपर. ये जो चैप्टर है वाटर रिसोर्स एंड एक और चैप्टर है ज्योग्राफी का ही, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करके चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऐसे करके है. ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स विल नॉट बी देयर इन योर फाइनल पेपर, बट दीज चैप्टर्स में से एनी ब्रीफ क्वेश्चन, एनी टर्म कैन बी आस्क्ड एंड दैट विल बी इन द दिस पीरियोडिक टेस्ट. जो हमारे स्कूल के पेपर्स होते हैं पीरियोडिक टेस्ट, इन दोज पीरियोडिक टेस्ट एनी ब्रीफ शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज फ्रॉम दिस वाटर रिसोर्सेज. मनदीप, you are being removed, mute yourself quickly. Yes, so hamare syllabus mein these two chapters are to be, they will be tested only in the periodic tests. Final paper mein ye lesson nahi aayenge. Theek hai, to that is why ye humne class mein nahi karne hain. These are for your we can say as your extensive reading. During vacation you have to read these two chapters, very simple, very easy. And in your junior classes also you have already done these. Sixth class में आपको याद होगा एक natural vegetation का chapter किया हुआ है, बस वैसा ही है, थोड़ा सा मतलब at a higher level है, but hardly matters, quite simple. And water resource chapter, very simple, कि why do we face water scarcity, क्या reasons है इसके, what should we do, dams कैसे बनाते हैं, ये वो, बस उस तरह का ही है, simple सा chapter है दोनों. So during vacation you all are advised to read these chapters because these will not be done formally in the class. ठीक है, तो बट जो एक हमने formally भी करना है, map work of this water chapter, that will be there in the periodic test as well as in the final paper. ये हमारे syllabus में है, सिर्फ map work from this chapter. जो forest chapter है उसका map work syllabus में नहीं है, तो वो नहीं करना हमने. We will be focusing only on the map work of this chapter, water resource. तो अब उसमें से भी क्या करना है, हमने ओनली दीज एट पॉइंट्स आर देयर इन सिलेबस, तो दैट इज व्हाई आई सेंट दिस वे. ये एट पॉइंट्स करने हैं. दीज आर द नेम्स ऑफ डैम्स, जो डैम बनाते हैं ना रिवर्स के ऊपर, ये डैम्स के नाम हैं. तो इनकी लोकेशन एंड लेबलिंग, कि कहाँ पर है ये, उसको लेबल करना आपको आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो आ जाता है लोकेट भाखड़ा नंगल डैम, तो अब आप भाखड़ा नंगल डैम ढूंढोगे कहाँ पे है, उसका नाम लिखोगे, जैसे ये यहाँ पे है. नाउ इन दिस मैप ये जो डॉटेड पॉइंट्स है ना, ये स्टेट्स बनाई हुई हैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया स्टेट्स बनाई हुई हैं. तो स्टेट्स के साथ में फिर यू कैन सी मेनी रिवर्स आर ऑल्सो बींग शोन. ये सारी रिवर्स जो इंडिया की सारी रिवर्स हैं, दे आर ऑल्सो शोन, बट यू डोंट हैव टू डू दिस. ये आपने नाइन्थ क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ड्रेनेज वाले चैप्टर में, कौन सी रिवर कहाँ पे है. यू इट इज़ बीइंग अज्यूम्ड कि आपको सारी लोकेशंस पता है रिवर्स की. ठीक है, तो ये रिवर्स आर नॉट टू बी लोकेटेड, सारी रिवर्स को कुछ नहीं करना. ओनली जो हमारा ये डैम है, जैसे ये सलल डैम है, ठीक है, तो आपने सिर्फ डैम की लोकेशन करनी है, रिवर्स की लोकेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस. तो रिवर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट पुट ए पॉइंट हेयर ओनली. जैसे ये ट्राइंगल का है, आप कोई भी डॉट लगा लो या ट्राइंगल लगा लो, कुछ भी, एनी साइन कैन बी यूज, बस वो नीचे इंडेक्स यहाँ बना देना है कि हम लोग ये ट्राइंगल या डॉट वो डैम को शो कर रही है. ठीक है, तो जैसे ये सलल डैम है, ये जम्मू कश्मीर जो पहले होता था जम्मू का एरिया, यहाँ करके यू विल पुट ए पॉइंट हेयर, प्लॉट ए पॉइंट हेयर. ठीक है, उसके साथ में आप लिख दोगे सलल. आपने नंबरिंग नहीं करनी है, ये नंबरिंग तो यहाँ, ये यहाँ नंबर दिया हुआ, तो दैट इज़ वाई दे हैव डन. यू डोंट हैव टू डू दिस, यू विल राइट ओनली, यू विल प्लॉट ए पॉइंट, शो ए पॉइंट एंड राइट नेम ऑफ द डैम.
ऐसे ये भाखड़ा नंगल है तो यहाँ पर ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है, यहाँ पे इसको केयरफुली आपने लोकेशन को चेक रखना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ ये एरो इस करके लगाया बिकॉज स्पेस वाज लेस, कंजस्टेड सा हो जाता है, तो अदरवाइज आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ छोटा छोटा करके कैपिटल लेटर्स में यू कैन राइट भाखड़ा नंगल। देन ये टिहरी डैम है, इट इज़ इन उत्तराखंड, तो लोकेशन आपने देखनी, ध्यान से देखनी है, ये उत्तराखंड स्टेट है, उसका ऑलमोस्ट मिड पार्ट कर लो, मिड पार्ट से भी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। लोकेशन में अगेन आई रिपीट, लोकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये यहाँ करके पॉइंट लगा के, ठीक है। उसके बाद है हमारा राणा प्रताप सागर, ये यहाँ करके राजस्थान, जहाँ ये मध्य प्रदेश वाली साइड पे, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, ये गुजरात वाले ऊपर से, मतलब ध्यान से देख के यहाँ पे आपने लगाना है राणा प्रताप सागर। उसके बाद है हमारे सिलेबस में ये है नागा अर्जुन सागर यहाँ पे, ठीक है। ये तकरीबन बन जाता है जो अभी प्रेजेंट स्टेट्स है ना तेलंगाना और आंध्रा का, बिल्कुल जो बॉर्डर है तेलंगाना और आंध्रा का, ये बॉर्डर पॉइंट बन जाता है, तो वहाँ पे है ये नागार्जुन सागर। उसके बाद ये तुंगभद्रा, ये कर्नाटका स्टेट में है ये वाला पॉइंट। ऐसे टोटल यू कैन चेक 8 पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ ओनली दीज 8 जो डैम्स है देयर लोकेशन एंड लेबलिंग इज इन सिलेबस, बाकी जो जितनी भी ये रिवर्स बनाई हुई हैं कोई और नाम लिखे वो कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। घबराना नहीं कि इतने सारे रिवर्स बनानी, कुछ नहीं करना, ओनली ये 8 डैम्स की लोकेशन इज टू बी डन, लोकेशन एंड लेबलिंग, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई हैव ऑलरेडी सेंट द पिक ऑफ दिस। सो ड्यूरिंग वेकेशन एक आपने ये काम करना है, सेकेंडली यू हैव टू रीड बोथ द चैप्टर्स, फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड दिस वन, ये वाटर रिसोर्स वाला, वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर्स दीज आर, ठीक है। उसके बाद आ जाए हम लोग, आज अपना कंप्लीट कर लेते हैं टूडे हमारा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उसको जल्दी से पूरा करते हैं। येस्टरडे वी आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, मैंने जो आपको हिंट्स भेजे हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन वो आपने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए है, दैट इज़ नॉट टू बी पेस्टेड इन द नोटबुक एंड नॉट टू बी सेंट, वो अपना पर्सनल अपनी किसी भी कॉपी पे आप कर सकते हो मैप के ऊपर। देन वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 6, आई रिपीट बिकॉज वी डिड इट इन द एंड, तो थोड़ा सा फास्टली किया था, तो दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट नो इट प्रॉपरली उनके लिए आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से बोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यू प्लीज़ यूज पेंसिल एंड कम्प्लीट इट ऑन द बुक इटसेल्फ, कॉपी पे नहीं करनी है ये, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए कमिंग टूगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा कमिंग टूगेदर फेडरेशन कॉमा, ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, ये सेकेंड लाइन, एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग, ये सेकेंड ब्लैंक, स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग vis-a-vis का मतलब as compared to the federal government, but India is a dash type of federation, तो यहाँ लिखेंगे India is a holding together type of federation, and some states have more power than others, in India the dash government has more powers, the central government has more powers, in India यहाँ पे central government, so मैं repeat कर रही हूँ, I am repeating the blanks, first में आएगा coming together, सेकेंड ब्लैंक में आना है स्ट्रॉन्ग, थर्ड में आना है होल्डिंग टुगेदर, फोर्थ में आना है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ये आ जाते हैं, प्लीज रीड साइड बाय साइड, हियर आर 3 रिएक्शंस टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, गिव एन आर्ग्यूमेंट एंड एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट एनी ऑफ दीज पोजिशंस, ठीक है। 3 बच्चे हैं, कोई भी 3 स्टूडेंट्स के बच्चों के नाम दिए हुए हैं, वो अपना अपना दे आर कीपिंग देयर व्यू पॉइंट, तो आपने गिव एन आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल टू सपोर्ट एनी ऑफ दीज 3 पोजिशंस, ठीक है। अब आपने यहाँ ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आप किसी को भी चुन सकते हो, बट जिस भी पॉइंट को, जिस भी बच्चे के पॉइंट को यू आर चूजिंग कि आपको ठीक लगता है, तो देन यू हैव टू प्रोवाइड द सॉलिड रीजनिंग ऑल्सो, वो रीज़न भी आपका करेक्ट होना चाहिए जिसकी भी बात को आप सपोर्ट करते हो। तो माई सुजेशन इज़ कि पहले आप देखो कि इन तीनों में से किसकी बात बेस्ट है, किसकी बात सबसे ठीक है एज पर द चैप्टर, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, पहला बच्चा है संगीता, शी इज़ सेइंग द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेंथन्ड नेशनल यूनिटी, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि सभी को एकोमोडेट किया जाता है, मतलब सभी को एडजस्ट किया करते हैं तो नेशनल यूनिटी बढ़ती है, ठीक है, ये बात ओके। अरमान सेकंड स्टूडेंट, ही या शी जो भी है, ही इज सेइंग लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस,
बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज. एक तरीके से ये बात भी ठीक है कि कई जो लोग होते हैं वो बड़े रिजिड हो जाते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज और अपनी स्टेट के अलावा वो दूसरों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. जैसे डोंट माइंड बट मैनी इवन अवर पंजाबी पीपल, पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट, पंजाबी ओनली, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हमारे लिए ठीक है ये बात, बट वी कैन नॉट से कि दूसरी स्टेट के लोगों के लिए भी हम उनके ऊपर पंजाबी को इम्पोज करें, या हम कहें कि ओनली पंजाब एंड पंजाबी आर द बेस्ट. तो ऐसे तो मराठी एंड महाराष्ट्र दे आर ऑल्सो द बेस्ट, तमिल लैंग्वेज एंड तमिलनाडु वो भी अपनी जगह बेस्ट है. तो डिवाइड नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टेक इट इन दिस मैनर कि हम ही बेस्ट है और बाकी सब पीछे है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. बट इट इज़ सीन कि मैनी पीपल बिहेव लाइक दिस कि अपनी लैंग्वेज के अलावा दे डोंट वॉन्ट टू इवन लिसन टू द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स. तो उस तरीके से ये बात ठीक है, डिवाइड कर रही है. मतलब नॉट ऑल पीपल, अगेन रिपीटिंग, नॉट ऑल पीपल, बट कुछ लोग जो है वो बड़े रिजिड हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है हरीश, थर्ड स्टूडेंट. दिस पॉलिसी हैज़ ओनली हेल्प्ड टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस. दिस पॉलिसी का मतलब कि ये जो इंग्लिश को हम एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर रही है, बट यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि ओनली इंग्लिश इज़ नॉट द ओनली लैंग्वेज विच इज़ बींग यूज एज ऑफिशियल. तो इंग्लिश के साथ वन मोर लैंग्वेज इज ऑल्सो बींग यूज, हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले बच्चे की बात ठीक नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश को ही डोमिनेशन दी जा रही है, इंग्लिश के साथ भी है हिंदी ऑल्सो. ठीक है, तो इसका व्यू पॉइंट थोड़ा सा वीक है, ये थर्ड वाले बच्चे का. उसके बाद ये इसका भी वीक है व्यू पॉइंट, ये वाले बच्चे का, सेकेंड वाले बच्चे का. ठीक है, कि भाई डिवाइड करती है. तो जो लोगों की रिजिड थिंकिंग है, जिसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, अपनी ही बात पे अड़े रहना, दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं सुनना, तो ये उस तरीके से है. जो सबसे बेस्ट है जो व्यू पॉइंट, वो फर्स्ट स्टूडेंट का है जो अप्रोप्रिएट है इन द गिवन सिचुएशन. ठीक है, आउट ऑफ दीज थ्री व्यू पॉइंट्स जो फर्स्ट स्टूडेंट है हर गीतांशु शर्मा, यू हैव नॉट म्यूटेड यूर सेल्फ, डू यू वॉन्ट टू बी रिमूव्ड? गीतांशु शर्मा, म्यूट यूर सेल्फ. तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये संगीता, हर व्यू पॉइंट इज द बेस्ट व्यू पॉइंट आउट ऑफ दीज थ्री व्यू पॉइंट्स. ठीक है जी, आपने मतलब कंपेरेटिव स्टडी करनी है. अपनी अपनी जगह हर एक की बात ठीक है, बट यू हैव टू सिलेक्ट कि तीनों में से बेस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन से बच्चे का आर्ग्यूमेंट है. राइट, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8. नाउ प्लीज रीड फ्रॉम योर बुक साइड बाय साइड. द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज, केयरफुली पढ़ना है, डिस्टिंग्विशिंग मतलब ऐसा कोई फीचर जिससे बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है, जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट को क्लियर कट इट टेल्स कि ये खास फीचर है, स्पेशल फीचर है. ठीक है, वो वाला पॉइंट आप ढूंढिए आउट ऑफ 4. प्लीज रीड. देन आई विल टेल द आंसर, जस्ट ट्राई. डी, बी या डी बेटे, सेकंड के फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ. ओके, अकॉर्डिंग टू यू फोर्थ. डी. कोई बच्चा बताइए, एनी अदर? डी, डी, डी ऑप्शन. डी वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ये पॉइंट एक स्पेशल फीचर है. ठीक है, बाकी के फीचर्स हैं बट वो इतना स्पेशल नहीं है कि एक चीज को अलग करके रख रहे. इसको हम ऐसे समझ लो जैसे आपके पास 4 बॉल्स पड़ी हुई हैं, खेलने वाली बॉल्स पड़ी हैं. 3 बॉल्स हैं रेड कलर की, एक बॉल है मान लो ब्लू कलर की. तो जो ब्लू कलर की बॉल है वो एकदम अलग से डिस्टिंग्विश हो जाती है ना, तीनों में से अलग दिखती है. तो ऐसे ही ये तीनों चारों पॉइंट्स में से 3 तो थोड़े एक तरह से ठीक है, वो पॉइंट अपनी अपनी जगह, बट स्पेशल जो फीचर है वो लास्ट वन है, दैट इज़ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन different levels of government. So last option, ये D option is the right option. Let us come to, ये important है, ये आपको paper में 1 mark type में किसी भी तरह से आ सकता है. If few subjects in various lists of Indian constitution are given here, group them under the union, state and continent list as provided in the table below. अब क्या किया है, they have given us one blank table, उस पर only one heading is given, union, state and continent list, आगे blank दिया हुआ है. एंड ऊपर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, ए बी सी डी, ऐसे 7-8 पॉइंट्स आर गिवन एग्जाम्पल्स. अब आप जल्दी से
अब मेरी बुक का लिखा हुआ नहीं पढ़ना, ट्राई टू डू योर सेल्फ. अब आपने देखना है कि आउट ऑफ दीज जो कितने हैं, ये आई तक है 4, 8, 9 ये पॉइंट्स हैं. इनमें से आप देखो यूनियन लिस्ट के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको यूनियन लिस्ट वाले ब्लैंक के आगे लिखना है. फिर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, दे आर टू बी रिटन इन फ्रंट ऑफ स्टेट लिस्ट, थोड़ा सा शॉर्ट सा करके लिख लेना. और उसके बाद है ये बाकी में से देखो कि रेस्ट ऑफ कौन से बचे जो कॉन्करेंट लिस्ट में. अच्छा, अब नाउ यू मे थिंक कि हाउ कैन वी कम टू नो, फॉर दैट यू नीड टू रीड द पेज ऑन दिस, ऑन द पेज नंबर जिस पे आपको ये दिए हुए हैं. आई कैन टेल यू जहाँ पे ये वी आर गिवन ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू टेल. दिस इज पेज नंबर 16 and 17. Page 16 and 17 of your chapter, on those two pages, union list, state list, concurrent list, head paragraphs are given. वहाँ से आप पढ़ो, underline कर लो वहाँ पर भी, फिर आपको वो आपको याद भी करने पड़ेंगे, फिर आप बताएंगे मुझे. हाँ जी, may we start with it? Yes, ma'am. Okay, very good, शाबाश. तो चलिए, कौन सा बच्चा बताएगा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स, इन इन में से जो गिवन है, विच आर द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. हाँ जी भूमि, यू वांटेड टू टेल. सुहाना, यस मैम. मैम सभी बता दो. कम्युनिकेशन, हाँ जी, पहले भूमि आप बता दो. डिफेंस मैम. कम्युनिकेशन, वेरी गुड. और बैंकिंग, वेरी राइट. Very right. So defense. बता दो एक बार तीनों कौन से हैं points? Defense, banking and communication. Very right. तो out of these ये examples में से 3 points belong to union list. Which are those 3? Banking, defense and communication. Number मतलब word आगे पीछे लिख दो, that hardly matters. The examples 3 हैं, defense, banking and communication. Now state list के subjects कौन से हैं? एक एक करके सभी बच्चे. Agriculture. सारे इकट्ठे बोल, एक एक करके बता दे. ओके, एग्रीकल्चर इज राइट. और पुलिस, ट्रेड भी ठीक है, और ट्रेड वाला भी ठीक है. 3 पॉइंट्स हैं, पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड. अब कैसे पता चलेगा ये आपको पीछे पेज नंबर 16, 17 में स्टेट लिस्ट वाला व्हेन यू रीड, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी, वहां से लर्न कर लेना. तो पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट. नाउ कॉन्करेंट लिस्ट के, एजुकेशन, फॉरेस्ट, और थर्ड कौन सा बताया? मैरिज. वेरी गुड. एजुकेशन, मैरिज एंड फॉरेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के. ठीक है, तो ये मतलब ये हमने आउट ऑफ दीज प्रोवाइडेड ऑप्शंस में से करना है, अदरवाइज और भी बहुत सारे हैं. तो यहाँ पर दे हैव गिवन अस ओनली दीज 8-9 पॉइंट्स, उसमें से ये हमने करने हैं. अच्छा, एक और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट कि कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक, दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती हैं, बट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट, किसी बात पे सहमति ना हो दोनों में, कुछ एक जगह वो कंसेंट ना हो, तो फिर किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा. एक तो ये चीज़ है. दूसरा एक और पॉइंट दैट केम टू माई नोटिस लेटर ऑन, मतलब ये हम डिस्कस कर चुके थे, आफ्टर दैट इट केम टू माई माइंड. अच्छा, अगर कोई कंट्री के अंदर, ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रिजिडिटी है कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, मतलब वो पावरफुल है, उसका कंट्रोल ज़्यादा है, तो उसके वो तो जो टॉपिक्स हैं लॉज विल बी मेड बाय यूनियन लिस्ट. मेन यहाँ पर है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो स्टेट की गवर्नमेंट ही बना सकती है लॉ. बट ये है कि अगर कोई इमरजेंसी हो कंट्री के अंदर, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, कोई अनयूजुअल कोई सरकमस्टांसेस हो, कुछ भी अनयूजुअल, जैसे अभी ये कोरोना वाला, ये यूजुअल तो नहीं था ना, ये इसके भी ये कौन सा कोई ऐसी बीमारी है कि हर साल आती है, मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह की वर्ल्ड वाइड इस तरह की प्रॉब्लम आई, मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है, दिस इज़ अनयूजुअल सिचुएशन, एमरजेंसी वाली एक सिचुएशन है.
तो ऐसा कुछ भी हो या कंट्री की किसी और कंट्री के साथ वॉर चल रही हो, कोई चाइना के साथ या कुछ भी ऐसे, है ना, तो कोई अनकंफर्टेबल या अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इट हैज़ ऑल पावर्स टू डिसाइड एनीथिंग. कुछ भी वो कानून बना सकती है. उस समय फिर ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाता है कि ये स्टेट के सब्जेक्ट है कि ये सेंटर के हैं. फिर ऐसा कोई स्टेट कोई गवर्नमेंट खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि जी आपने क्यों कानून बना दिया, ये तो हमारा स्टेट का है. नो, एमरजेंसी के टाइम पे, अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के टाइम पे, कोई वॉर हो रही हो किसी एनिमी कंट्री के साथ में, कुछ भी एक रूटीन से अलग कुछ अनकंफर्टेबली कह सकते हैं उसको सर्कमस्टांसिस, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स टू मेक लॉज रिगार्डिंग एनीथिंग. फिर उस केस में ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्टेट के सब्जेक्ट हैं तो स्टेट ही बनाएगी, ठीक है. एमरजेंसी वो अभी क्योंकि हमारा अभी टेंथ तक इतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं है तो इसलिए हम नहीं करते हैं. अदरवाइज कुछ भी तीन तरह की एमरजेंसी हो सकती है कंट्री के अंदर. एक होती है अगर कोई फॉरेन कंट्री अटैक कर दे तो एमरजेंसी लगाई जा सकती है बाय सेंटर. उस केस में सब राइट्स चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सब तरह की पावर्स, सब तरह के कंट्रोल विद सेंटर. अगर हो कंट्री के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करेंसी से रिलेटेड कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज फाइनेंशियल एमरजेंसी ऑल्सो. तो उस केस में भी सारे जो राइट्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड कंट्री के, कुछ भी उससे रिलेटेड बात, उसके सारे राइट्स चले जाते हैं सेंटर के पास. और अगर कोई कंट्री के अंदर लगे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं या कुछ भी, अगर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रही है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी रीज़न के करके, अगर स्टेट्स के अंदर लगा दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल, या इसको हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक जनरल एमरजेंसी भी लगा सकती है, उस केस उसको जनरल एमरजेंसी कहते हैं. ये एक बार हमारे कंट्री में लग भी चुकी है 1975 में. एट दैट टाइम मिसेस इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लगाई थी 2-2.5 साल के लिए एमरजेंसी. आपको तो नहीं पता होगा, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, तो 2 and 2.5 years अप्रॉक्सीमेटली 1975 से 1977 के मिड तक तकरीबन, तो वो एमरजेंसी लगी हुई थी. तो उस केस में भी लोगों के भी राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, स्टेट्स के भी राइट्स ख़त्म हो जाते हैं. एवरी राइट, एवरी पावर, एवरी कंट्रोल गोज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब ये है कि अगर कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन हो किसी भी टाइप की, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल पावर्स गो इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फिर ये सारा डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाता है. फिर नहीं कोई कह सकता जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ये है वो है. यही ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है कि एमरजेंसी किसी भी टाइप की हो तो ऑल पावर्स एंड राइट्स विल बी विद द सेंटर. हाँ जी मोक्ष, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? यस मैम, मैं पूछना था कि अगर कोई कंट्री एमरजेंसी कंट्री में डिक्लेयर कर देती है, हाँ जी, तो मैम उससे कोई जो बाहर की जो पीस मेंटेन करती है कंट्रीज में, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो कुछ इस चीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंट्री में तो फिर राइट्स होने लग जाएंगे कि उनके पॉलिटिकल राइट्स, तो वो आ जाएंगे डेंजर में आ जाएंगे. यू आर ट्राइंग टू से कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो जो कोई फॉरेन कोई इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हो हमारे, उनके भी सब राइट्स खत्म है. किस वो फॉरेन, अब देखो फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूशंस ने तो हमारे देश को नहीं ना चलाना, हमारे कंट्री को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सारी पावर्स, उसके सारे राइट्स एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री के लोगों के हैं. तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उतने टाइम के लिए, उनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना न्यूट्रल, उनके भी सब राइट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं. उनको कह दिया जाता है कि आप यहाँ से जा सकते हो. या पहली बात तो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू वर्क इन इंडिया एज पर द नॉर्म्स, एज पर द रूल्स एंड दीज लॉज ऑफ द अवर कंट्री. ये नहीं है कि कोई, मैं आपको एक दिन पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ये ट्विटर वाला एग्जाम्पल दिया था. तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, तो अब ये ट्विटर वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडिया में काम करेंगे बट हम रूल अमेरिका के मानेंगे. तो फिर अब आपने अमेरिका के रूल मानने हैं तो आप अमेरिका में जाके काम करोगे. आप अगर इंडिया में काम करना है आपने, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है. तो उसके लिए बड़ा उन्होंने बहसबाजी की, बड़े आर्गुमेंटेशन किया, बट उनको अल्टीमेटली अभी तक भी उन्होंने 100% नहीं कहा कि हम यहाँ के रूल्स के मुताबिक काम करेंगे. तो क्वाइट पॉसिबल आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ट्विटर कंपनी को कहा जाए भी चलो भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ अमेरिका, यहाँ नहीं, यू विल नॉट बी अलाउड.
तो पहली बात तो ये है कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो कुछ भी है जो यहाँ भारत में काम करते हैं तो दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस या गाइडलाइंस या रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ के हिसाब से काम करेंगे। तो जब यहाँ के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ अगर इमरजेंसी है तो वो भी इमरजेंसी के अंदर आएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर उनको लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है, उनका काम ठीक नहीं है या उनको रिस्ट्रिक्शंस ही फील होती हैं तो वो वापस अपने देश में जा सकते हैं। ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि अभी तक हमारे कंट्री में एक ही बार जो जनरल इमरजेंसी है एक ही बार लगी है। अब आप देख लो 47-49 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1975 में 2-2.5 साल के लिए ही इमरजेंसी लगी, अदरवाइज कभी नहीं लगी है। इवन हमारी वॉर्स भी हुई हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ तो भी कभी इमरजेंसी नहीं लगी है। बट ये एक हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो एट दैट टाइम ऑल पावर्स गो विद द सेंटर, बस ये मैंने बताना चाहती थी मैं। तो उस समय ये नहीं फिर कोई स्टेट कह सकती है कि जी एग्रीकल्चर तो हमारा टॉपिक है तो आपने कैसे कानून बना दिया, बना सकती है सेंटर गवर्नमेंट। या कोई कहे कि कौन सा है ये पुलिस है या ट्रेड है हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है तो आप कैसे कानून बना सकते हो, बना सकती है। कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन में सेंटर हैज ऑल पावर्स टू मेक एनी लॉ एंड मेनी गाइडलाइन, कुछ भी बना सकते हैं। बट अदरवाइज ये जो रूटीन एक पीसफुल टाइम चल रहा होता है, शांति वाला समय जिसको बोलते हैं ना, रूटीन एक सामान्य सा चल रहा है तो उस समय ये सारा कुछ डिवाइड होता है कि अपना अपना ठीक है, सब अपना अपना काम करें, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा, जल्दी से कर लेते हैं, 6 मिनट ही रह गए बेटे, जल्दी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हाँ जी, 10th क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट लेवल टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशनड अगेंस्ट ईच, व्हिच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब आउट ऑफ 4 3 पेयर्स करेक्ट है, करेक्टली मैच किए हुए हैं, एक दूसरे के सामने ठीक लिखा हुआ है। इनमें से एक पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ, तो यू हैव टू टिक मार्क दैट पेयर। फाइंड आउट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन। लोकल गवर्नमेंट्स, वो बेचारी लोकल गवर्नमेंट तो सबसे छोटी सी हैं, उनके पास रेजिड्यूरी पावर वो सोच भी नहीं सकती है, तो ये वाला ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग, इसको आप टिक लगा लो। मतलब टिक का मतलब ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये ठीक मैचिंग नहीं है, उस हिसाब से ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो इसका सिंपल तरीका होता है, पहले आप पेंसिल से मैचिंग कर लो, ठीक है, मैचिंग करके फिर नीचे वाले टेबल में आप चेक करो कि कौन से वाला ऑप्शन इधर से आपका करेक्ट बन रहा है। सो आप पहले मैच करके मुझे यहीं से बता दो, यहीं से पता चल जाएगा। हाँ जी, यूनियन ऑफ इंडिया का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे वर्ड बोल दो बेटे, जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया इज टू बी मैच्ड विद, उसका होता है प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। उसके बाद स्टेट का क्या होता है, गवर्नर, वेरी गुड, स्टेट का होता है गवर्नर। थर्ड वन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या होता है, मेयर, मेयर, और लास्ट है ग्राम पंचायत का क्या होता है, सरपंच, सरपंच, वेरी गुड, शाबाश। अगर ऐसा कोई हो ना क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो करना क्या होता है, जरूरी नहीं हमने ऊपर से ही स्टार्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेंसिल से पहले आप देखो जो आपको सबसे जल्दी समझ आता है, मैच करते हो जो आता है पहले उसको मैच करो, फिर सेकंड को ट्राई करो, फिर थर्ड को करो, जो लास्ट बच गया वो तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ है वो तो अपने आप ही फिर मैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचना कि पहले से ही स्टार्ट करना है, किसी से भी आप स्टार्ट कर लो, जहाँ से आपका दिल करे वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, कर लिया बेटे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर डी ऑप्शन, नहीं दो स्टेटमेंट है बेटे, चार में से दो है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, टेबल का मैम 11th क्वेश्चन, टेबल के सी ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ टेबल का सी ऑप्शन बन गया, मैंने यहीं पर फिनिश कर दिया ना, टेबल के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन है जो आपने मैचिंग की, ये सी वाला राइट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट क्वेश्चन, बी एंड सी ओनली मैम, बी एंड सी ओनली, बी एंड सी, एक मिनट, डी पार्ट, मुझे ए एंड बी लग रहा है, चेक कर लो ध्यान से, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं, आप पढ़ो मैं भी दोबारा से पढ़ लूं जरा।
यस मैम ए एंड बी ओनली ए एंड बी बेटे ए एंड बी है ना उसका रीजन है एक जो बच्चे सी कह रहे थे उसमें ध्यान से देखो थोड़ा केयरफुली हमें स्टडी होनी चाहिए श्रीलंका इज ए फेडरेशन बिकॉज कंट्रीज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस बट हमें पूछा क्या हुआ है कि प्रोविंसेस तो ठीक है बट वो प्रोविंसेस के पास भी कोई ढंग से उन्होंने डिवीजन तो की नहीं फेडरलिज्म के मतलब रूल्स के मुताबिक उनको कोई वो सिंहालस की ही डोमिनेंस थी तो दूसरों को तो कोई इतना उन्होंने ना तो पावर्स दी है और प्रोविंसेस भी कोई सबको ध्यान में रखते हुए नहीं बनी है तो जो सी वाली लाइन है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है और जो डी लाइन है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है हमने मतलब करेक्ट वाली देखनी है तो ए एंड बी अकॉर्डिंग टू मी ए एंड बी आर द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स तो अब ए एंड बी का ऑप्शन कौन सा है नीचे जो दिए हुए हैं ये वाला सी वाला ऑप्शन है ना जिसमें दिया ए एंड बी होंगे तो इसको टिक करेंगे चारों में से पहली दो जो है फर्स्ट ए एंड बी वो ज्यादा ठीक है या करेक्ट है कंपेरेटिवली वो बेटर है तो ये चीज हमें थोड़ी देखनी पड़ती है देखने में हमें कई लाइनें एक जैसी लगती हैं बट ये पोल साइंस में ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है देखने में चाहे एक जैसी लगती है बट आपने केयरफुली उसको उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करके फिर हमने चूज करना होता है ठीक है तो ये ए बी और सी ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता बट ए एंड बी आर द परफेक्ट आंसर जो सी एंड डी है वो बिल्कुल सही नहीं है बिल्कुल करेक्ट नहीं है इस करके उनको नहीं चुन सकते हम ये नहीं कह सकते ए सी डी ऐसे नहीं मतलब जो जो मैंने पढ़ लिया ध्यान से सी बनता है ठीक है सी ऑप्शन है इसको पहले आप टिक लगा लो बाद में आप फिर आराम से करना भी जल्दबाजी में नहीं आराम से जब फ्री टाइम हो फिर दोबारा से आप पढ़ना तो आपको पीसफुली पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं है बाकी के ठीक है जी सो अभी हमारा सिलेबस ऑफ दिस नहीं सिलेबस तो नहीं कहेंगे ये तो हमने अगली टर्म का स्टार्ट कर लिया था तो एनी हाउ अब आपने हॉलीडेज में यू हैव टू कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट फाइल और सेकेंडली ये वाटर और वो वाइल्ड लाइफ वाला लेसन पढ़ना है और ये वाटर वाले का जो मैप भेजा मैंने उसको आपने करना है ठीक है जी करके अपना कॉपी पे पेस्ट कर लेना है एज आई टोल्ड सब सारे नहीं करने सारी रिवर्स नहीं बनानी सिर्फ जो एट ऊपर नाम लिखे हुए हैं ओनली देयर लोकेशन देखें ओनली देयर सो विद दिस आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हॉलीडेज इंजॉय हॉलीडेज हैं ये नहीं इंजॉय करते करते काम भूल जाओ काम भी कर लेना है अपना और इंजॉय भी करना है Thank you, Bate. Thank you all.